कल सावन का आखिरी सोमवार है और बीते दिनों हरियाणा के नूह में हुई हिंसक घटना के बाद विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश शांडिल्या ने यह ऐलान किया था कि 28 अगस्त को नूह में जाकर भगवान शिव को जल अर्पण करेंगे, जिसे लेकर आज वह हरिद्वार जाकर गंगा से भी लेकर आए। इस जलाभिषेक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए वीरेश शांडिल्या ने खुद बताया कि जिस कदर नूह में ब्रजमंडल की यात्रा में कट्टरपंथियों द्वारा हथियारों सहित हमला किया गया था और नूह को पाकिस्तान में बदलने की कोशिश की गई थी, विश्व हिंदू तख्त ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि सावन के आखिरी सोमवार को नूह जाकर जल अभिषेक करेंगे। इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और कल सुबह सेक्टर 1 से हमारा जत्था रवाना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने एक बयान में कहा था कि नूह में कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिस पर विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश शांडिल्या ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं, यह बिल्कुल दुखद है, पर लेकिन विश्व हिंदू तत्व रुकने वाला नहीं है। और क्या कुछ कहा वीरेश शांडिल्या ने, सुनवाते हैं आपको। सर, क्या कुछ रूपरेखा है कल आप नूह जा रहे हैं, ऐलान किया हुआ जल अभिषेक का? देखिए, विश्व हिंदू तख्त ने 31 जुलाई को जो ब्रिज मंडल की यात्रा के ऊपर, धार्मिक यात्रा के ऊपर कट्टरपंथियों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया था और जिस तरह का वहां माहौल दहशतपूर्ण बनाया था और नूह को पाकिस्तान बनाने की साजिश रची थी और जिस तरह के आधुनिक हथियार उनके पास थे, कहीं ना कहीं हिंदुओं को टेररिज करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम जो है 28 अगस्त को विश्व हिंदू तक जो है अपने जत्थे के साथ सावन के अंतिम सोमवार को जल अभिषेक करेगी और वो हमारी तैयारी पूरी है। कल हम अपने सेक्टर 1 से पूरे जत्थे के साथ रवाना होंगे और आगे से आगे हमें जो है हमारे जिला अध्यक्ष जो मिलते रहेंगे और इसके लिए हम जो हमारे जिला अध्यक्ष लोकेंद्र जी सोनीपत का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो कोऑर्डिनेटर है जल अभिषेक समिति का, वो कल नूह गया, उसने नूह विजिट की, मुसलमानों से बात की और मैं वहां के मुसलमानों से अपील करता हूं कि ये यात्रा नहीं है हमारी। पहले मैं क्लियर कर दूं सरकार को, ब्रिज मंडल की धार्मिक यात्रा जब होगी हम उनके साथ हैं, ये तो जल अभिषेक करने जा रहा है हमारा जत्था, इसके लिए हम पूरी तैयारी में हैं और हम बिना किसी हथियार के हम 17 अगस्त को लिख के हरियाणा के गृहमंत्री को, डीजीपी को, एडीजीपी, सीआईडी को, तमाम अफसरों को हरियाणा के दे चुके हैं। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि परमिशन नहीं है किसी भी तरह की कोई यात्रा की। बड़ी दुखद बात है, हिंदुस्तान में देश का प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करता है कि यात्रा नहीं होने देंगे, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन विश्व हिंदू तख्त रुकने वाला नहीं। घर पे बैठकर पूजा करें, स्थानीय जहाँ पे अपने स्थान पर रहकर पूजा करें। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। फिर जो है आप किस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखना चाहते हो, ये बहुत मनोबल गिराने की बात है। क्या बाकी हिंदुओं के अलावा बाकी किसी धार्मिक जो लोग हैं उनको भी कभी किसी और जाति के लोगों को भी मुख्यमंत्री ने रोका है? बताइए मुझे, आज तक हम जो है गुरुद्वारों से जरनैल सिंह भिंडरांवाला की तो फोटो उतरवा नहीं सके। सर, नूह हिंसा में मामन खान जो विधायक हैं उनको भी पुलिस ने जो है नोटिस जारी किया है शामिल होने का। देखिए, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, मेरे संगठन ने कहा हुआ है एनआईए जांच करे, मैंने डे वन से कहा एनआईए जांच करे, लेकिन कल मैंने मामन खान को विधानसभा में बोलता देखा, जो उसका विधानसभा में एक्ट था, एक विधायक खड़ा होकर बोला, जो उसका विधायक का एक्ट था वो ऐसे एक्ट था कि जैसे वो पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहा हो कि मैं हिंदुस्तान की विधानसभा में मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे डिक्टेट करता हूँ, कैसे टेररिज करता हूँ, कैसे डिक्टेटरशिप से बोल रहा था। विधानसभा स्पीकर को उसके ऊपर कॉग्निशन लेना चाहिए। मैं 28 के बाद विधानसभा स्पीकर को मिलूंगा उस क्लिप के साथ जो मामन खान की क्लिप है, वो ये दर्शा रही थी कि कहीं ना कहीं नूह का मुसलमान फिर तैयार है लड़ने के लिए। ये नूह के मुसलमान को साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक परिचय देना चाहता है या फिर मामन खान की सोच पर पहरा देना चाहता है। वही आज मैंने एक बयान और पढ़ा है, उसका देखा अभी, राकेश टिकैत का जो किसान नेता है, कि अगर धार्मिक यात्रा निकलेगी नूह में, ब्रिजमंडल की यात्रा निकलेगी तो हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इससे पहले सुरेश कोच जो है किसान लीडर कह रहा था कि हम मुसलमानों के साथ है। क्या जिताना चाह रहे हो तुम, क्या मैसेज देना चाह रहे हो तुम, किसको डराना चाह रहे हो तुम, क्या संदेश देना चाह रहे हो तुम? राकेश टिकैत, तुम्हारे जो आप तुम महेंद्र सिंह टिकैत के नाम के, अपने पिता के टिकैत के नाम की खा रहे हो, ये टिक्के खा लो,
हिंदुओं को मत ललकारो, हिंदुओं को मत ललकारो, हिंदुओं की धार्मिक अपने आप को तुम हिंदू हो कि नहीं हो, पहले सुरेश कौथ ने तो कह दिया मैं हिंदू नहीं हूं, तुम बताओ हिंदू हो कि नहीं हो। ये यात्रा जो हमारी है ये ना किसी को थ्रेट है, ना हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई पाड़ पाने के लिए है, ना इस यात्री जल्पशेख जत्थे में किसी के पास कोई हथियार होगा, हम सब कुछ लिख के दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार कहती है कि आपको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर जल अभिषेक करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पास लेना पड़ेगा, तो ये समझ लो कि सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में किसी हिंदू का मनोबल टूटेगा तो वो वीरेश शांडिल्य का टूटेगा, जिसका मनोबल आतंकवादी नहीं तोड़ सके, जिसका मनोबल खालिस्तानी नहीं तोड़ सके, जिसका मनोबल पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं तोड़ सके, जिसका मनोबल बब्बर खालसा के आतंकवादी नहीं तोड़ सके, उसका मनोबल हिंदुओं की सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, आरएसएस सरकार, उसके चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो है वो तोड़ देंगे। अगर पुलिस रोकने का काम करेगी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, कोई पुलिस से मेरा कोई टकराव नहीं है, मैं कानून के साथ चलूंगा, कानून के अनुसार चलूंगा, कानून मेरे पुलिस का काम। देखिए, पुलिस खाकी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, खाकी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, खाकी देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, खाकी ये जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जिस तरह किसान नेता चार दिन पहले एसपी को धमका रहे थे, एसपी को डरा रहे थे, ये वही पुलिस है किसानों, ये वही पुलिस है। तुमने अनिल विज को, प्रदेश के गृह मंत्री को कहा कि तू किसानों के ऊपर डंडा चला, तू फिर अकेला निकल के देख, शर्म करो। अनिल विज किसानों को भगवान की तरह पूछता है, और पुलिस जो है खाकी, जिसने अपने आप को साबित किया कोरोना में, उसको थ्रेट कर रहे हो। हमारी पुलिस के गल कोई टकराव नहीं है, हमारे साथ हम एडीजीपी सीआईडी को, डीजीपी को, एसएसपी को, एसएसपी अंबाड़ा को, आईजी अंबाड़ा को, सीपी फरीदाबाद को, नू एसपी को, सबको लिखित दे चुके हैं। मेरे पास टिल डेट अभी तक पुलिस ने यह मैसेज नहीं दिया कि आपका जल अभिषेक जो जत्था है हम उसको रोकेंगे, या अगर आपको कोई परमिशन चाहिए वो लेनी पड़ेगी आपको। अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।